प्लस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अपना जो फोर्स इन कॉन्स्टेंट फोर्स वाला सिस्टम है, ये चीज क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, क्योंकि फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स एफ डॉट एस इज वर्क डन। तो बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, मतलब पहले मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए ड्राइव किया हूँ, इसका स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट नेट वर्क डन बाय फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय फोर्सेस on an object equals to the change in kinetic energy, the change in kinetic energy. Logarithm class for PCB students. Okay, PCB के लिए नहीं हुआ है क्या logarithm? लॉग ठीक है, आ देते हैं, मैं एक दिन लेता हूँ। ओके निरंजन, तो देखो यहाँ मेरे को प्रूफ भी हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। बट जब हम लोग ये स्टेटमेंट लिखे हैं तो यहाँ पर भाई फोर्सेस लिखा है हमने, ऐसा नहीं लिखा कि भाई अ कांस्टेंट फोर्स, इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एक बार वेरिएबल फोर्स के लिए देखते हैं क्या होगा। याद रख हो गया? यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, तो हम लोग क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मास कॉन्स्टेंट है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी काइनेटिक एनर्जी बाई डी टी, डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ, मास कॉन्स्टेंट है, इंटू टू वी डी वी बाई डी टी, वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, टू वी इंटू डी वी बाई डी टी, यहां से ये टू और यू टू कैंसिल, ये बन गया। ये देखो फॉर वेरिएबल फोर्स डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन, इसको तो हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए भी इसको एक्सेलरेशन ले सकते हैं। तो ये देखो क्या बन गया, एफ डॉट वी बन गया, और हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ डॉट वेलोसिटी को लिख देते हैं डीएक्स बाई डीटी, तो हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज DKE, derivative of kinetic energy, is equals to F DX, integrate both sides, from initial kinetic energy to final kinetic energy. तो ये बन गया हमारा KE final minus KE initial
इज इक्वल्स टू वर्क डन। उधर आपने हाफ एम का डेरिवेशन ही निकाला। एम तो कांस्टेंट है ना, एम एज्यूम किया कि कांस्टेंट है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं ना, तो फॉर एन ऑब्जेक्ट मास इज कांस्टेंट। हाँ समझा। अच्छा, इसके साथ तुम लोगों ने एक और चीज पढ़ रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन। वो क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा, ऐसा क्या कौन कौन सा कंजर्वेशन है? जैसे हमने एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, और क्या कंजर्व कर सकते हैं? क्या वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं? क्या इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होना चाहिए? सही है सलोनी, मास कंजर्व कर सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं क्या इनिशियल और फाइनल? सर वो इंटीग्रेशन वाला स्टेप एक बार रिपीट करो ना। ओके, दो मेरे पास क्या था, डी के ई बाई डी टी, ये आया था हमारे पास एफ डी एक्स बाई डी टी। एक डी टी हमारा, डी टी को छोड़ दिया मैंने, डी के ई इक्वल टू एफ डी एक्स, फिर उसके दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है ना, तो वैसे ही डी के ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? के ई। ओके हाँ सर। हम लोग कंजर्व क्या कर सकते हैं? मास कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, चार्ज कंजर्व कर सकते हैं। चार्ज राइट साइड में, राइट साइड में ये इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स है। याद करो एफ डॉट डी एक्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, यही तो होता है ना वर्क डन, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another. अब जैसे अपने सिस्टम में अभी हम लोग को जहाँ जो पढ़ना है उसमें हम लोग अपना जो है वो अपना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बस इन दोनों पे अपना बात करेंगे। बाकी जो लॉसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो लॉस होता है साउंड या ये सब में, उसका हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो कोई प्रोसेस हुआ, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? यस, मैकेनिकल एनर्जी।
लेकिन अब हम लोग एक चीज पढ़े हैं अभी तक, एक फ्रिक्शन का भी बात किए थे, तो फ्रिक्शन क्या करता है? एनर्जी को, एनर्जी लॉस करवाता है। तो हम लोग ओवरऑल एक जनरल स्टेटमेंट कैसा दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस, मान लो समहाउ एनर्जी जनरेट हुआ बीच में, जैसे मान लो कोई प्रोसेस हुआ था उसमें कुछ एनर्जी जनरेट हुआ, तो प्लस एनर्जी जनरेटेड, मतलब बाई समहाउ हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कहीं और से एनर्जी दिया, शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस्ट। एनर्जी लॉस किसी भी फॉर्म में हो, बाय फ्रिक्शन, बाय एयर रेसिस्टेंस, तो जनरली हम लोग एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। ये लास्ट स्लाइड नोट हो गया था क्या? किसी का बताया था? ये ठीक है, अब चलो आप क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, यहां से एच हाइट से मैंने एक ब्लॉक छोड़ा ऑफ मास एम, ब्लॉक को लीव कर दिया या फिर ब्लॉक को ड्रॉप किया, तो जब ये यहां पहुंचा होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? रंजन अभी आ रही है आवाज सही से? लैग कर रही है? यस ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अभी आवाज लैग नहीं कर रही है ना? नो सर। ठीक है, हाँ, इसको मैंने ड्रॉप किया, तो बताना है कि जब नीचे पहुंचा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? सर रूट ऑफ mgh। रूट ऑफ mgh नहीं, रूट 2gh बाय r। नहीं श्रेया, r क्या है? रूट 2gh सही है श्रेया। ओके, एक तो तुम लोग का नॉर्मल वाला मेथड है, काइनेमैटिक्स वाला, उससे भी कर सकते हो, वर्क एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है कि जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ एज्यूम करना है, बताओ मैं कहाँ एज्यूम करूँ जीरो पोटेंशियल लाइन? ग्राउंड पे अज्यूम करूं, ब्लॉक मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ए पे अज्यूम करूं, बी पे अज्यूम करूं, या कहीं बीच में अज्यूम करूं, कहीं रैंडम सा बीच में अज्यूम करूं, कहाँ करें? बी पे कर सकते हो, ए पे भी कर सकते हो, या रैंडम सा किसी पोजीशन में भी कर सकते हो। जैसे हमारे लिए आसान क्या होगा, आइदर ए या बी पे करना, तो जैसे मैंने बी पे लेट से अभी के लिए इसको जीरो पोटेंशियल लाइन माना। अब क्या करो, पोजीशन ए, अभी के लिए तुम लोग सेम यही तरीका यूज करोगे, बाद में तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करोगे, अभी के लिए पूरा लिखना। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो
जीरो, उसको हमने ड्रॉप किया है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? प्लस एम जी एच, वो एच हाइट ऊपर है जीरो पोटेंशियल लाइन से। सिमिलरली पोजीशन बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने वी मान लिया वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पोजीशन बी पे? जीरो। जीरो, हमने वहां पर जीरो एज्यूम किया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे MgH should be equal to half mv square, mm cancel, और this implies velocity equal to under root 2gh। एक बार तुम लोग कहीं रैंडम सा इस पोजीशन पे लेके देखो, तो मतलब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लाइन अज्यूम करो x हाइट ऊपर और फिर सॉल्व करो। हाँ सलोनी, वही तुम लोगों को काम करना है, x हाइट ऊपर अज्यूम करो जीरो पोटेंशियल लाइन और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्या सेम आंसर आ रहा है। आ गया? हाँ सर, सेम ही आ रहा। सेम ही आया। चलो देख लेते हैं एक बार, अगर हमने यहां से ये है ना, मैंने यहां से एक्स डिस्टेंस ऊपर मान लिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस एक्स। ओके निरंजन, ए बी, तो पोजीशन ए का बात करो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, जस्ट ड्रॉप किया था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच माइनस एक्स। पोजीशन बी, काइनेटिक एनर्जी मान लिया कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। तो देखो ये एम जी एक्स और ये एम जी एक्स कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और जिसमें वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। कौन सा आसान था, पिछला वाला या ये वाला? दोनों सेम था, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आया हुआ है, बस एक स्टेप यहां पर, क्योंकि एक्स एक्स ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है, बाकी दोनों सेम चीज है। तो जस्ट आंसर दोनों कहीं पे भी मानो सेम आएगा, बट कोई एक ऐसा होगा जेट पी एल जो जहां पर तुम्हारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक?
नो सर। ठीक है, यहाँ पर एक एक और चीज ऐड करो, ये जब हम लोग बात किए हैं फर्स्ट पेज में या फिर सेकंड पेज में भी, यहाँ कि अगर हम लोग एच हाइट से ऊपर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाय mgh, यहाँ पर क्या होना चाहिए, h शुड बी मच मच लेस देन आर रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसा नहीं कि अर्थ के रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ले गए, ऐसा नहीं, बहुत छोटा होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, इससे हम लोग काफी छोटे हाइट पे हैं, 20 मीटर 30 मीटर ऐसा कुछ हाइट होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगा वो एमजीएच से होगा। यहाँ पे भी अगर लिखना है तो लिख लो, एच शुड बी मच मच लेस देन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। Then, अब देखो, अब हमें पता चल गया है कि जीरो पोटेंशियल लाइन का क्या सीन है। नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, वर्टिकल सर्कल। तुम लोग ऐसा जैसे मान लो तुम्हारे पास आई कार्ड है या फिर तुम लोग कोई भी ऐसा एक थ्रेड में एक बॉल फंसा ली है और इस बॉल को ऐसे घुमाए हो सर्किल में, वर्टिकल सर्किल में, आया ना? Yes, sir. सब लोग घुमाए हो? जो लोग नहीं घुमाए हो यार, तुम्हारे पास आईडी कार्ड होगा उसको पकड़ो और यहाँ से घुमा के देखो एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पकड़ के इसको ऐसे घुमा के देखो वर्टिकल सर्किल में। तो अगर तुम धीरे धीरे घुमा रहे होगे, मतलब कम वेलोसिटी पे घुमा रहे होगे, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर जाएगा, एंड सो ऑन, ये ऐसे ऐसे करता रहेगा अगर तुम धीरे से पुश करोगे तो। ये सबने देखा है? Yes, sir. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाया तो क्या होगा, ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा ऐसे ऐसे, और स्पीड बढ़ाया तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा सर्किल घूम जाएगा, अगर मैं काफी स्पीड दिया तो। Yes, sir. होगा, और अगर मैं इससे कम स्पीड दिया होगा तो ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है कि मैंने यहां से घुमाया, ये यहां तक गया और यहां से ऐसे नीचे गिर गया। एक बार करके देखो, गिर रहा होगा थोड़ा कम स्पीड पे। एक बार करके देख लेना ये वाला सिचुएशन, ये वाला तो सबको फील आ रहा है ना कि अगर तुम ज्यादा स्पीड दोगे तो ये पूरा का पूरा सर्किल घूम जाएगा। ठीक है, हम लोग को इस पर बात करना है पहले। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, एक एक धागा लिया और ये एक बॉब लिया, बॉब सबको पता है पेंडुलम वाला जो नीचे वाला होता है उसको बॉब बोल रहे हैं। तो अब बात यह है कि हम लोग कितने वेलोसिटी से इसको घुमाए सो दैट ये पूरा घूम जाए। तो हम लोग इस थ्रेड का जो मास है, मास ऑफ थ्रेड, वो नेग्लिजिबल मान रहे हैं और इंटायर मास, mass of thread is negligible, negligible, और entire mass जो है वो bob में है, entire mass is in bob। तो बात ये है कि हम लोग इसको कितने velocity से घुमाएं, कितना velocity दे ताकि ये पूरा का पूरा circle घूम जाए ऐसे। जस्ट अ मिनट,
हाँ तो यहाँ पर मैंने v वेलोसिटी दिया तो ये हो सकता है पूरा ऊपर घूम जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर सोचो मतलब सबसे ज्यादा चांस कहाँ पर है कि वो धागा स्लैक हो जाए, सबसे ज्यादा चांस अपमोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस है कि वो बॉब जो है वो सीधा नीचे गिर जाए। अपमोस्ट पॉइंट पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा ये बताओ उस बॉब पे। एमजी और टेंशन। और अगर ये मान लो यहाँ पर स्पीड इसका VA है तो और कोई फोर्स होगा क्या बाहर MV2/r। बाहर MV2/r क्योंकि कोई भी चीज अगर होता है मतलब कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा होता है तो क्या होता है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है MV2/r। तो अगर तुम बैलेंस करने का देखो तो यहाँ पर क्या 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 होगा टेंशन फोर्स बैलेंस तो हम लोग क्या लिखेंगे टेंशन प्लस mg शुड बी इक्वल टू MV2/r। अच्छा व्हेन द स्ट्रिंग इज जस्ट अबाउट टू स्लैक तो टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में जीरो टेंशन विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं MV2/r इज इक्वल्स टू mg। और यहाँ पर इनफैक्ट वेलोसिटी जो है वो va है तो MVA2/r शुड बी इक्वल टू mg। अच्छा MV2/r mg से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा एग्जैक्ट अगर मुझे नीचे नहीं गिरना है तो छोटा होगा mg से MV2/r छोटा होगा। और किसी का ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखो पहला वाला फर्स्ट mg में हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तब वो MV2/r के बराबर हो रहा है इसका मतलब कौन बड़ा है खुशी MV2/r या mg MV2/r बड़ा होगा ना yes। तो इन जनरल कंडीशन हम लोग का होगा MVA2/r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अगर हमने पूरा का पूरा बात जस्ट अ मिनट ओके देयर विल बी नो केमिस्ट्री क्लास टुडे एज गुरुचरण सर इज फेसिंग सम नेटवर्क इशू टुडे देयर विल बी फिजिक्स ओनली ओके। हाँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि MV2/r जो होगा वो mg से ग्रेटर होगा अगर मुझे कंप्लीट करना है तो। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज va शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट rg। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जो है वो रूट rg से ज्यादा होना चाहिए तभी हम लोग पूरा घूम पाएंगे। मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड vb है तो फाइंड करो vb का वैल्यू क्या होना चाहिए। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी vb है तो vb का वैल्यू कितना होना चाहिए कितने से ज्यादा होना चाहिए।
यहाँ तक सबको समझ में आया ना कि वी एयर ग्रेटर देन रूट आर जी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुमको पता है कि यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी जो है वी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट आर जी, तो अगर मुझे यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपने बॉब को, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे? एनर्जी कंजर्वेशन में के देखो, कहीं पे जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम करो, फिर एनर्जी कंजर्वेशन। सही है खुशी, रंजन कुछ तो मिस किए हुए। आई थिंक तुमने पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म लिखा है ना, वो एम जी आर लिख दिया, जहाँ पर एम जी टू आर होगा शायद, वहां तो मिस किए हो। ओके, जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ एज्यूम किए हो, कहाँ पर एज्यूम करें? ए पे, ठीक है, ए पे एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हो, कहीं भी रैंडम सा, यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं, इनफैक्ट ऊपर या नीचे भी एज्यूम कर सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह से आंसर सेम आएगा। तो ए पे एज्यूम कर लो या बी पे एज्यूम करो, अपना सिचुएशन थोड़ा आसान बनेगा। तो लेट्स से मैं ए पे एज्यूम कर रहा हूँ, इसको जीरो पोटेंशियल लाइन अज्यूम किया हूं, ए वाले को। तो ए वाले को अगर हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन, देवांगी नहीं, पोजीशन ए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहां पे? हाफ एम वी ए स्क्वायर, मैं मिनिमम वाला कंडीशन लेके चल रहा हूं, तो वी ए स्क्वायर इज आर जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं ए पे जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम किया हूं, तो ये जीरो हो जाएगा। रिमझिम नहीं, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मोस्ट प्रॉब्ली रिमझिम, कहीं पे एक बार चेक करो। सिमिलरली पोजिशन बी पे काइनेटिक एनर्जी मुझे पता नहीं, लेट्स से हाफ एम वी बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये हम लोग यहां से टू आर डिस्टेंस नीचे हैं, तो माइनस एम जी इंटू टू आर। अब लिखो इनिशियल पोजीशन ए पे एनर्जी कितना था, एम जी आर बाई टू शुड बी इक्वल टू पोजीशन बी पे एनर्जी, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस टू एम जी आर, और यहां से आ जाएगा रूट आर जी।
हाँ रूट आर जी है तो वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा है ना काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो रूट आर जी का स्क्वायर आर जी बन गया. ठीक है तो यहाँ पर आ गया मेरा 5 mg r by 2 equal to half mvb square, half half cancel और vb आ गया मेरा root 5 gr, तो vb should be greater than or equal to root 5 gr. ग्रेटर देन समझ में आ रहा है क्योंकि VA भी ग्रेटर देन है तो वहां पर मैं ग्रेटर देन छोड़ के इक्वालिटी वाला कंडीशन लिया है तो VB भी ग्रेटर देन में आएगा. और वैसे भी कॉमन सेंस से भी सोचो कि रूट 5 GR पे अगर पूरा घूम रहा है तो उससे ज्यादा स्पीड भी होगा तो भी पूरा का पूरा घूम लेगा, तो इसलिए वहां पर रूट अंडर रूट आ रहा ओके. अब यहाँ पे फाइंड करो ये वाले पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज सी, ये हॉरिजॉन्टल है 90 डिग्री, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगा, किसके कितना वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए. सही है निरंजन, सही है श्रेया. सही है खुशी. ओके अगेन सिंपल सा है, कोई भी दो पॉइंट को कंपेयर कर दो, आइदर बी और सी को या ए और सी को, किसी भी दो पॉइंट को कंपेयर कर दो, तो मतलब एनर्जी कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो लेट्स से ए और सी को ही कंपेयर कर देते हैं. यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, सी पे जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम कर लिया लेट्स से, यहाँ पे मुझे पता है वी ए जो है दैट इज रूट जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर, यहाँ पे वी सी पता नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जीरो, तो हम लोग लिखेंगे एट ए पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी आर, आर हाइट ऊपर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एट सी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पे एनर्जी एम जी आर प्लस एम जी आर बाई टू is equals to half mvc square, or this implies vc should be greater than or equal to root 3 gr.
तो सी पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो थ्री जी आर रूट थ्री जी आर से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा। ओके क्वेश्चंस। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन वन। एक स्लाइड जैसा है, ये हाइट है 1 मीटर, ये हाइट है 1/4 मीटर। यहां से मैंने एक ब्लॉक को पुश किया विद द वेलोसिटी वी, जस्ट पुश किया है, वेलोसिटी 0। तो यहां पर आने के बाद इसका पाथ कैसा होगा, मतलब साइड मेरा यहीं तक है तो इसके बाद मेरा पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल। तुमको बताना है ये कितना डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा। फाइंड एक्स। ये डिस्टेंस है 1/4 मीटर, 0.25 मीटर। अगर मास चाहिए होगा तो मास इज 1 kg, बट शायद मास कैंसिल आउट हो जाएगा। जी का वैल्यू 10 अज्यूम करना। एक आंसर आया रूट, दो आंसर आया रूट 3/2, खुशी एंड श्रेया।
ओके सबसे पहले काम क्या होगा मेरा, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना। तो अगेन लेट्स से दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ एज्यूम करें? ब्लैक वाला एज्यूम कर लें या फिर बी पे एज्यूम कर लें या फिर ए पे एज्यूम कर लें? हाँ देखो निरंजन, हम लोग ए पे भी एज्यूम कर सकते हैं, सही है, ए पे बी पे कहीं पे भी एज्यूम करो, बट जैसे जनरली मैं क्या करता हूँ, मुझे माइनस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मुझे प्लस करना पड़े, मतलब माइनस करना ठीक है, प्लस ज्यादा ईजी होता है कंपेयर टू माइनस। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ जीरो पोटेंशियल लाइन, बी पे जीरो पोटेंशियल लाइन, ए पे मानो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3/4 meter, 1 - 1/4, ये डिस्टेंस है 1/4। तो हम लोग ए पर बात करें, पोजीशन ए, तो काइनेटिक एनर्जी है जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच इज इक्वल्स टू पोजीशन बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एम गेट्स कैंसल्ड, वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60/4, 15 आ जाएगा, और दिस इंप्लाइज वी बी इज इक्वल्स टू रूट 15 आ गया। यहां तक सबका सेम आया है या कुछ और आया? यस यही यही आया। ओके अब इसके बाद कैसे सॉल्व करें, यहां पर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हुआ हुआ है, इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद हम लोग ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में अलोंग वाई सॉल्व करो, अलोंग दिस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड जीरो है। हाँ सही है खुशी। तो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन बात करें, अलोंग वर्टिकल, तो वो जो ब्लॉक गिरा है उसका यू वाई जीरो है, ए वाई माइनस 10 है और डिस्प्लेसमेंट -1/4 meter है। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, तो s इज इक्वल्स टू ut, तो जीरो ही हो गया, हाफ a t स्क्वायर, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, और हमारे पास आ गया 1/20 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 1/√20। ये भी सेम आया सबका, ना कुछ और आया? अब हॉरिजॉन्टल प्लेस तो हम लोग सीधा लगाते हैं, यू इज ओके खुशी, यू क्या आया था, √15, एक्सेलरेशन इज जीरो and time is 1/√20, so distance along x is ux into t, that is equals to √15 × 1/√20, that is √15/20, that is √3/2. सिंपल सा था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी का नोट नहीं हुआ होगा तो बताना। इसका रेडियस है आर, ये हाइट है एच। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा ट्वाय कार है, इसको मैंने पुश किया, सच दैट इनिशियल स्पीड इज जीरो। तो ये ट्वाय कार ऐसे गया, यहाँ अंदर से घुस गया या नीचे से, और फिर पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया, वर्टिकल सर्किल पूरा घूम गया। तो बताना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच इन टर्म्स ऑफ आर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच इन टर्म्स ऑफ आर हाँ खुशी स्टार्टिंग में सिमिलर ही है, फिर उसके धीरे धीरे टफ होता जाएगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच इन टर्म्स ऑफ आर। So that the car can complete the vertical circuit. The car can complete the circle. Circular path. ठीक है खुशी सही है। रिमझिम देखो एच कहाँ से मेजर करना है, तुम्हारा आंसर सही है बट कहीं और से तुमने एच मेजर किया है, तुमने नीचे से एच मेजर कर लिया, लेकिन एच कहाँ से मेजर करना है वो देखो। सही है निरंजन। जीरो पोटेंशियल लाइन कहां पर एज्यूम करें, कौन सा पोजिशन इजी होगा, ब्लैक वाला सही है श्रेया, ब्लैक वाला, रेड वाला या फिर ये ब्लू वाला। आई थिंक ब्लू सबसे इजी हो जाएगा। यस yes. तो ब्लू को लेट से हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन मान देते हैं। तो हम लोग ये वाले और हम लोग इस वाले पॉइंट को ये लेट से दिस इज B और दिस इज A, B और A को कंपेयर करो तो A पे पोटेंशियल एनर्जी इज MgH, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। B पे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज, यहां पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जीरो या फिर कुछ और।
रूट अंडर जी आर, तभी वो पूरा का पूरा घूमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम रूट जी आर का स्क्वायर, तो कंपेयर करो तो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम जी आर, और दिस इंप्लाइज एच इक्वल्स टू आर बाय टू। हो गया डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक बॉब था, सारा का सारा मास इसके बॉब में कंसंट्रेटेड है, और स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग। मैंने इसको यहाँ से ऐसे हल्का सा टिल्ट किया इस पोजीशन पे, इसको ऐसे घुमाया हल्का सा थीटा एंगल, लेट्स से इसका लेंथ है एल, तो क्या होगा ये ऐसे घूम के वापस से यहाँ आएगा, तो बताना है जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। जल्दी से
हाँ आया किसी का? कुछ भी नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन है, जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ पे अज्यूम करे? ए बी बी ओके ठीक है, चलो बी पे अज्यूम किया, सभी पे अज्यूम कर लिया, दोनों पे अज्यूम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट? एल माइनस एल कॉस थीटा। एल माइनस एल कॉस थीटा, सही है श्रेया आंसर। ये लेंथ देखो क्या आएगा, ये लेंथ होगा इस ट्रायंगल में, ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो ये वाला जो लेंथ बचा दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। तो अगर मैं ए पर बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिया तो एम जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और मैं जस्ट वहां से रिलीज किया हूं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। सिमिलरली बी का बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर। एनर्जी इक्वेट करो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो हमारे पास आ जाएगा एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर, एम एम कैंसिल और वी बी आ जाएगा अंडर रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये येलो दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, अंडर रूट टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा है, बस वो एल माइनस एल कॉस थीटा निकालना था, फिर तो अपना एनर्जी कंजर्वेशन ही था नॉर्मल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मासलेस थ्रेड है, इसको मैं क्या वेलोसिटी दू सच दैट ये यहां तक पहुंच जाए? Find the minimum velocity that should be imparted to the bob at bottommost point so that it can reach position B. It can reach position B. So, वो थ्रेड की लेंथ नहीं है, L या R मान लो थ्रेड की लेंथ, क्योंकि इस पे बिल्डअप करना है थोड़ा सा। सही है निरंजन,
सही है खुशी, सही है श्रेया, अगेन सिंपल सा है, कहीं पे भी जीरो पोटेंशियल लाइन अज्यूम करो, ये वाला जैसे जीरो पोटेंशियल लाइन है, तो दिस इज पोजीशन ए, तो हम लोग बोल सकते हैं एट ए काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एंड एट बी मुझे जस्ट पहुंचा देना है, तो जस्ट पहुंचा देना है मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी जीरो अज्यूम कर सकता हूं, जस्ट वहां तक रीच कर जाए, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस एम जी आर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर, ये सब हम लोग कब करना है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो देखो यहां पर हमारे पास क्या आया, सिचुएशन बना कि जैसे ये बॉब है, इसको मैंने वेलोसिटी दिया वी, अगर वेलोसिटी केस वन, ये जो वेलोसिटी है इज लेस देन रूट टू जी आर, तो सिचुएशन क्या होगा, हाँ कोई बताएगा, अगर मैं कम वेलोसिटी दूंगा तो क्या होगा, रूट टू जी आर से वो उधर तक नहीं पहुंचेगा, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा सेम हाइट तक फिर वापस आएगा एंड सो ऑन करता रहेगा, अगर एयर रेजिस्टेंस हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो, ये फील आ रहा है टू एंड फ्रो पोशन ऐसा ऐसा करता रहेगा। केस टू, अगर वेलोसिटी इक्वल टू रूट टू जी आर हुआ जस्ट, तो क्या होगा, वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करके ये यहां तक जाएगा फिर इधर भी यहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ नहीं जाएगा, वो थोड़ा फिगर सही से बनाना, हो जाएगा तो बताना, डन, ओके नेक्स्ट केस थ्री, अगर मैं स्पीड रूट टू जी आर से ज्यादा दू लेकिन रूट फाइव जी आर से कम दू, केस थ्री वी इज रूट टू जी आर से ज्यादा है बट रूट फाइव जी आर से कम है, इस केस में क्या होगा, ये मेरा पार्टिकल यहां से यहां जाएगा कुछ ऐसा जाएगा और यहां के बाद यहां पर धागा स्लैक हो जाएगा, यहां तक ठीक है, यहां पर कहीं बीच में थ्रेड विल बिकम स्लैक, थ्रेड विल स्लैक, थ्रेड विल स्लैक, अब थ्रेड स्लैक करेगा तो इसके बाद का मोशन कैसा होगा इस प्रोजेक्ट इस वॉब का, वो नीचे गिर जाएगा, कैसे नीचे गिरेगा, सीधा नीचे या कुछ और, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन नहीं,
थोड़े टाइम के लिए नीचे गिरेगा, फिर उसके बाद वो पाथ क्रॉस करेगा। नहीं करके देखो अभी अगर कुछ है तो। या फिर करके देखना अभी तुरंत तो मिलेगा नहीं। इसका वेलोसिटी अभी इस कुछ डायरेक्शन में होगा तो ये कुछ ऐसा बात करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वेलोसिटी रहेगा ना उस स्टैंड पे जब धागा स्लैक हुआ होगा, तो यहाँ पर ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा होगा। एक बार करके देख लेना सब लोग, ये फील आ रहा है क्या प्रोजेक्टाइल होगा? क्योंकि वेलोसिटी हल्का सा इधर की ओर होगा और ग्रेविटी लग रहा है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करने वाला है। और केस फोर, अगर मेरा वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gr है फिर क्या होगा? पूरा का पूरा सर्किल घूम जाएगा, कंप्लीट सर्किल। Done? Yes. अब तुमको ये सारी चीज रिपीट करने हैं होमवर्क में। होमवर्क अभी हमने क्या किया था? बॉब था, यस खुशी वी कैन, एक क्वेश्चन है तुम्हारे एचसीएल में, हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, करेंगे हम लोगों कि इंस्टीड ऑफ थ्रेड, हमने यहाँ पर थ्रेड लिया था ना ऐसा, इंस्टीड ऑफ थ्रेड अगर हमारे पास मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड, और यहां पर एक बॉब है, इस बॉब ऑफ मास m, तो मुझे इसको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा सच दैट ये पूरा वर्टिकल सर्किल घूम ले? इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है, लेट्स से VB, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है VA, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है VC। VA अभी बता दो, बाकी VB VC होमवर्क। VA क्या होना चाहिए? जस्ट सोचो स्लैक वाले धागा वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है? स्लैक नहीं होगा एग्जैक्टली, तो स्लैक नहीं होगा तो वहां पर जो हम लोग लिखे थे वहां पर याद करो, हमने ऐसा लिखा था ना कि mv square by r should be equal to t plus mg, और यहाँ slack वाला condition लगाया था tension zero, but यहाँ पर अगर slack होने का chances नहीं है तो हम लोग अगर यहाँ पर velocity zero भी हो तो कोई दिक्कत है क्या? अगर topmost point पर zero भी हो तो भी कोई दिक्कत है क्या? वो धागा ऐसा नीचे तो गिर नहीं जाएगा बॉब, right? लेकिन पिछले केस में अगर mv square by r ज्यादा नहीं होता mg से तो क्या होता? वो बॉब नीचे गिर जाता। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पर अगर मेरा वेलोसिटी जीरो भी हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मासलेस रॉड है, रॉड स्लैक नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जब स्ट्रिंग का हम लोग बात किए थे तो अगर mg ज्यादा हो जाता तो ये बॉब क्या होता है? नीचे गिर जाता।
फाइन, तो वी ए जीरो आ गया, वी बी और वी सी कैलकुलेट करना क्या आ रहा है, ओके okay, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? तो एक बार बस एक बार नोट्स अभी रिवाइज करके जाना, मतलब रिवाइज करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। वीए निरंजन, वीए जीरो कैसे आया? निरंजन देखो, हम लोग वहां पर सही है खुशी, हम लोग वहां पर जब हम लोग थ्रेड का बात किए थे तो वहां पर हम लोग वेलोसिटी इसलिए लिए थे ना क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर जो लग रहा है उसको मतलब एम जी जो नीचे लग रहा है और एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है, तो अगर मुझे आगे कंटिन्यू करना है इसका मोशन इधर होना चाहिए तो हम लोग बोले थे कि एम जी जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर से, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है निरंजन? यस सर। बट यहाँ पर अगर तुम्हारा एम जी लग भी रहा है तो क्या ये नीचे गिरेगा बॉब? नो सर। तो वेलोसिटी जीरो भी होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर जीरो भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा सॉल्व करोगे तो वी बी आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फोर जी आर, सॉल्व करके देख लेना, और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू जी आर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इसमें कुछ कुछ चीज और बचा हुआ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।